सोच रहा था जब यहाँ आ रहा था, और मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो, मगर आखिरी जो चार दिन है कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए। 3-4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, 4 दिन पैदल चलूंगा, अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा, और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मेरे परिवार ने, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं। तो मैंने मौका दिया, मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोल कर प्यार दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, उन सब ने मुझे अपना माना, और प्यार से बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहाँ स्वागत किया। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं।